महाराजगंज के तहसील निचलौल समाज सेवी सतीश यादव समाज में भ्रष्टाचार का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करते रहे हैं, जिसको संज्ञान लेकर समय समय पर अधिकारियों ने कार्यवाही भी की है, परंतु बीते दिनों हल्का लेखपाल द्वारा खसरा के नाम पर 500 रुपए अवैध वसूली करने का विरोध किया तथा वीडियो बना उप जिलाधिकारी से शिकायत की, परंतु उस पर उप जिलाधिकारी निचलौल द्वारा हल्का लेखपाल की शिकायत पर थाना निचलौल में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो हम डर के मारे जाए उनको 10,000 रुपए दिए ताकि हमारा खाए, ताकि जल्दी से हो जाए, कोई जाने नहीं पाए। पैसा आपसे मांगे थे कितना? मेरे से पैसा मांग रहे थे 25,000। किस लिए मांग रहे थे? खाई दाखिल के नाम पे कि जल्दी से हमारा खाई दाखिल हो जाएगा। तो हमने कहीं से व्यवस्था करके ना, मैं बोला कि उतना पैसा नहीं हो पाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरा पैर टूटा इस समय। उसके बाद मैं 10,000 रुपये रामानंद चौधरी को ला के 10,000 रुपये मैं दे दिया। उसके बाद फिर मैं गया खसरा बनवाने तो 200 रुपये मांग रहे थे, मैं 200 रुपये दे दिया। फिर तीसरा बार मैं खसरा बनवाने गया तो किसी आदमी से पूछे कि मैं खसरा पैसा लगता है, वो लोग कहे कि खसरा पैसा नहीं लगता है, तो 500 रुपये मांगे, फिर मैं 500 रुपये दे दिया, मैं तुरंत वीडियो वायरल बनवा दिया। आपने वीडियो तो बनवा दिया, लेकिन सुनने में आ रहा कि इस वीडियो के जरिए सतीश यादव और जितेंद्र यादव पर मुकदमा हुआ, इसकी क्या सच्चाई, कोई जानकारी है आपको? जैसे वीडियो बनाने की वजह से वो मुकदमा दर्ज किए हैं। आगे किस लिए दर्ज किया गया है मुकदमा? इस वीडियो से सतीश यादव जितेंद्र यादव के क्या ताल्लुकात है? मैं जब वीडियो बनवा दिया रामानंद चौधरी लेखपाल का पैसा दे करके, तो सतीश यादव जितेंद्र यादव से मैंने कहा कि मैं वीडियो बनवा दिया हूँ, तो लोग उनसे पूछे लेखपाल साहब, तो लेखपाल साहब ने इन लोगों के ऊपर 332 के धारा मुकदमा लिखवा दिए।